हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2 कंटिन्यू हम डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.3। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन आर चेक फॉर रिजल्ट। इक्वेशन को सॉल्व भी करना है और उसका रिजल्ट चेक भी करना है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 वन बाय वन सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू 4/5 एक्स प्लस 10। अब देखिए इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको बताया था LHS पार्ट में वेरिएबल्स होते हैं और RHS में कॉन्स्टेंट। अगर आपको मिक्स में दिखाई दे तो इसको ट्रांसफर करने पे उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखो वन बाय वन सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए 4/5 ये डिवाइड में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में किस में पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई में। इट मीन्स इसके अकाउंट में 1 लगा सकते हैं हम। 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 40। वी नो दैट लेफ्ट हैंड जो साइड है उसमें हमारे पास वेरिएबल पार्ट होगा, तो ये 4x राइट हैंड साइड में वेरिएबल पार्ट, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40। अब 5x में से 4x माइनस करेंगे तो 1x, इट मीन्स x इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई हमारे पास, 40। अब इसका आंसर भी हमें चेक करना है। रिजल्ट हमारे पास x इक्वल टू 40 आ गया। अब इसको चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, जो आपकी वैल्यू आई है उसको एज इट इज आपको क्वेश्चन में पुट करना है। LHS और RHS अगर इक्वल आ जाए तो आपका आंसर राइट है, अदरवाइज रॉन्ग। तो चेक करके देखते हैं। चेक, x इक्वल टू 40 है, क्वेश्चन हमारे पास ये है, एज इट इज पुट कर देंगे। x की जगह आपको क्या पुट करना है, 40 इज इक्वल टू 4/5 40 प्लस 10। अब सिंपलीफाई करके चेक करें, 40 एज इट इज चलेगा, 4/5। अब देखिए 40 प्लस 10 कितना हो गया, हाउ मच, 50। अब 50 में 5 का डिवाइड जा सकता है, 5 वन जा 5 एंड 5 10 जा 50। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 40 रहेगा, जिट इज 4 मल्टीप्लाई 10 40। हेयर LHS इक्वल टू RHS, इट मीन्स आवर आंसर इज राइट, LHS इज इक्वल टू RHS, इट मीन्स वेरीफाइड लिख सकते हो आप यहाँ पर, वेरी फाइन। तो ऐसे चेक करते हैं, जो आपका आंसर आएगा उसको एज इट इज क्वेश्चन में पुट करके LHS और RHS अगर इक्वल आ जाए तो आपका आंसर राइट है, इट मीन्स वेरीफाइड, अदरवाइज नॉट वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले से सिंपलीफाई करें, 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। अब देखिए इसमें भी जो वेरिएबल पार्ट है RHS में आपको दिखाई दे रहा है, ये LHS पार्ट इक्वल का और ये इक्वल के उधर RHS पार्ट, या वेरिएबल दिखाई दे रहा है प्लस का है इधर ट्रांसफर कर दो, ये कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है प्लस का 1 उधर RHS में ट्रांसफर करेंगे तो उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं ट्रांसफर करने पर, आपको पता ही है। तो 2x/3 प्लस का 7x/15 इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 7x/15। 3 एज इट इज सबसे पहले इसको राइट करेंगे, प्लस का 1 इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो गया, माइनस 1। अब देखिए ये डिवाइड में हमारे पास 3 एंड 15, तो इसे हम एलसीएम से सॉल्व करते हैं। 3 एंड 15 का एलसीएम क्या आएगा चेक करके देखते हैं। यहाँ पर 3 से डिवाइड है 1 टाइम्स, 15 में 3 का डिवाइड करेंगे 5। अब 5 में तो 5 का जाएगा 1, तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 15, एलसीएम लेंगे हम 15। अब जो एलसीएम लिया है उसमें जो डिनोमिनेटर है उसका डिवाइड करेंगे 15 में, 3 का डिवाइड करेंगे 5, 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x मल्टीप्लाई 5, डिवाइड करने पे जो आएगा उसको ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करो, माइनस 15 में 15 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 7x को किस से मल्टीप्लाई करना है 1 से, इज इक्वल 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, बड़ी वाली डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव 2 प्लस का 2।
इंप्लाइज दैट सिंप्लीफाई कर लें, 2 5 10 x माइनस 7x अपॉन में 50 इज इक्वल टू 10x में से 7x माइनस करेंगे 3x, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव 3x, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अपॉन में 1 लगाकर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन 15 टू जा 30 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है जो मल्टीप्लाई में एक्स के, उधर ट्रांसफर करने पर ये डिवाइड में चले जाएगा, अपोजिट साइन हो जाते हैं, एक्स इक्वल टू 30 अपॉन 3, 30 में 3 का डिवाइड करेंगे 10, इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। अब रिजल्ट को चेक करते हैं, ये साइड में चेक करके देखते हैं अपना रिजल्ट राइट या रॉन्ग, अगर LHS और RHS इक्वल आ जाएगा तो इट मीन्स आवर आंसर इज राइट, अदरवाइज रॉन्ग। तो चेक करते हैं क्वेश्चन में पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे 10, जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पर क्या पुट कर दो 10, 2 मल्टीप्लाई एक्स है तो 2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में क्या है इसके 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई एक्स, इट मीन 7 मल्टीप्लाई 10, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 अपॉन में 15 प्लस 3, आपको एज इट इज पुट कर देना है क्वेश्चन। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना, 2 टेन्स आर 20 अपॉन 3 प्लस 1, ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो आप इसको, 5 थ्री जा 15 एंड 5 टू जा 10, तो 7 टू जा 14 अपॉन 3 प्लस। अब देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 लगा सकते हो, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हो 1, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3, 3 एलसीएम लेंगे, एलसीएम में 3 का डिवाइड करेंगे 3 अपॉन 3 1, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रहेगा, 3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जाए, एलसीएम लेना आपको आते ही फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसी वे में बता रहा हूँ। इसमें भी आरएचएस में भी हमारे पास 3 एलसीएम आएगा, अब जो एलसीएम होता है उसको डिनोमिनेटर जो डिजिट है उसका डिवाइड करते हैं 1 आएगा, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करते प्लस एलसीएम में डिनोमिनेटर डिजिट 1 का डिवाइड करेंगे 3 अपॉन 1 3 होता है, ऊपर वाली डिजिट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 सिंप्लीफाई करेंगे 20 प्लस 3 23 अपॉन 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 14 वन जा 14 3 3 जा 9 14 प्लस 9 कर देंगे, ये भी क्या आएगा हमारे पास 23 है। हेयर LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, इट मीन्स आवर रिजल्ट इज करेक्ट वेरीफाइड। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, सबसे पहले तो वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर उसको जो वैल्यू आएगी उसको एज इट इज क्वेश्चन में पुट करके हम वेरीफाई कर लेंगे अपना रिजल्ट को, अगर LHS और RHS इक्वल है तो वेरीफाइड, अदरवाइज नॉट वेरीफाइड इट मीन्स इनकरेक्ट।